सत्यजीत रे साहब का एड्रेस तो मुझे भी अभी याद है, बिशप लेफ्रॉय रोड मेरे ख्याल से एड्रेस था, वो पूरा लिखा और उसमें लिखा कि आई एम कमिंग इन हम लोग, और हम लोग में आप देखिएगा फला एपिसोड विच इज़ कमिंग ऑन दैट डे एट दैट टाइम, और मैं ना उस सीन में आ रहा हूँ। और उसकी आखिरी लाइन तीनों चिट्ठियों में कॉमन थी, वो थी यू डू नॉट नो मी टिल नाउ बट यू विल लाइक माई परफॉर्मेंस। नमस्कार, छोटी सी कहानी। इस सीरीज में मैं कुछ आप लोगों को कहानियां सुनाऊंगा, छोटी छोटी सी कहानियां मेरी जिंदगी की, कुछ चीजें जो घटी हैं मेरी जिंदगी में फ्रॉम इयर्स बैक इन दिल्ली टिल नाउ, और क्या मैंने सीखा उनसे, मैं यूं ही शेयर करूंगा। क्योंकि एक्टर की जो जिंदगी होती है उसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैकग्राउंड में होती हैं, जो हम लोगों को बनाती हैं। ऐसी ही कहानियां हम सबकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में भी हैं। मैंने पाया है कि ऐसी कहानियों को जब मैं याद करता हूँ या दूसरों की कहानियां ऐसे सुनता हूँ तो समथिंग हैपन्स टू मी, मुझे कुछ मिलता है। तो उसी सीरीज में एक छोटी सी कहानी आज। ये उस दौरान की बात है जब हम लोग बोल के इंडिया का पहला सीरियल शुरू हुआ था, और उसकी शूटिंग होती थी हिमाचल भवन में, उनके सारे जो लोग होते थे वहाँ पर शूट करते थे, और हम लोग के दो अहम किरदार वो संभव के हिस्सा थे, मनोज पाहवा और सीमा, और सीमा बड़की बनती थी उसमें। तो हम लोग क्योंकि थिएटर करते थे, बड़ी इच्छा होती थी कि यार हमको भी टीवी में मौका मिले, दैट वाज फर्स्ट टाइम टीवी वाज कमिंग अप, मेरी भी बहुत इच्छा थी। और गेस व्हाट, ऐसा हुआ। आई वन डे गॉट अ कॉल, वहीं पर था मैं, मंडिया हाउस में किसी ने बताया था, उन्होंने बुलाया आपको, तो मैं गया। जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बोला कि दिस रोल, ये रोल करोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल करूँगा। तो वो रोल बहुत इंटरेस्टिंग सा रोल था, मतलब एक 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 पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था, और उसकी खासियत इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए था क्योंकि वो पहली बार मैं एक ऐसा रोल कर रहा था जिसमें बंगाली एक्सेंट है, वो बंगाली, उसका सरनेम बंगाली था। तो जैसे ही कहा, मैंने कहा गया तो कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिल गया, उसको कुछ डेप्थ के साथ खेलेंगे। तो मैंने उसकी स्टडी करनी शुरू करी, तो मेरे दोस्त अमिताभ और अरुणाम मजुमदार, उनके मदर जो थी माशी कहते थे, मैं उनके पास गया, मैंने उनको वो पूरी स्क्रिप्ट मैंने उनके साथ पढ़ी, मैंने कहा माशी अब आप इस स्क्रिप्ट को बोलिए अपनी हिंदी में, और उन्होंने बोला, मैंने नुआंसेस नोट करे, मैंने कहा हाँ हाँ इसको करेंगे, लेकिन ज़्यादा कैरिकेचरिश भी नहीं करूँगा लेकिन इंटरेस्टिंग भी करूँगा। तो उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। कोई 10 दिन बाद उसकी शूटिंग थी, तो मैंने उसकी पूरी तैयारी शुरू करी, लेकिन उस तैयारी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ की तैयारी करी एक सपने के बारे में। देखिए, मैं हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहता था, ठीक है, तो उस समय कुछ ज़्यादा किसी को भी नहीं जानता था, तो मैंने कहा जब किसी को जानता ही नहीं, तो उसी दौरान 3 फिल्म मेकर्स की फिल्में बहुत देखा करता था, और वो आर्ट सर्कल में बहुत अच्छी उनकी स्क्रीनिंग्स भी हुआ करती थी। एक थे सत्यजीत रे साहब, फिर मृणाल सेन साहब और तपन सिन्हा साहब, इनकी मैंने कुछ फिल्में भी देखी थी वहाँ पर, प्यारे लाल भवन वगैरह। तो मैंने कहा यार इन लोगों को चिट्ठी भेजता हूँ, ठीक है ना, प्लान देखिए मेरा, इन लोगों को चिट्ठी देखता हूँ कि आप मेरे इस रोल को देखिएगा जब ये टेलीकास्ट होगा, और मुझे बताइएगा अगर मैं आपके साथ काम कर सकूँ कि नहीं। ये देखिए दूरदृष्टि मेरी। तो मैंने उसके ऊपर पढ़ा लिखा था कौन सा एपिसोड, मैंने देखा कि अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है, तो पूरा कैलकुलेट करके मैंने बाबा का एक रेमिंगटन, मेरे ख्याल से रेमिंगटन एक टाइपराइटर हुआ करता था, उस पर टाइप की 3 चिट्ठियाँ तपन सिन्हा साहब को, मृणाल सेन साहब को और सत्यजीत रे साहब को। उनके एड्रेस कहाँ कहाँ से ढूंढे मुझे याद भी नहीं, तब तो इंटरनेट भी नहीं था, पर किसी तरीके से कहाँ से ढूंढ के कुछ उनका एड्रेस मिला, और सत्यजीत रे साहब का एड्रेस तो मुझे भी याद है, बिशप लेफ्रॉय रोड मेरे ख्याल से एड्रेस था, वो पूरा लिखा और उसमें लिखा कि यू नो मैं आई एम कमिंग इन हम लोग, और हम लोग में आप देखिएगा फला एपिसोड विच इज़ कमिंग ऑन दैट डे एट दैट टाइम, और मैं ना उस सीन में आ रहा हूँ, और मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, प्लीज़ देखिएगा। और उसकी आखिरी लाइन तीनों चिट्ठियों में कॉमन थी, वो थी यू डू नॉट नो मी टिल नाउ बट यू विल लाइक माई परफॉर्मेंस।
इस तरीके से मैंने उसको किया और चिट्ठी उनको भेज दी। उस समय चिट्ठी लिखकर टाइप करके स्टैंप लगाकर उसे भेज दिया। अब पूरी तैयारी है, उधर रोल की तैयारी, इधर चिट्ठी भेज दी, सब एंग्जाइटी, यू नो, बहुत एक्साइटेड। मैं लोगों को बताया, पता है मैं ये रोल कर रहा हूँ। ये सब होने के बाद 3 दिन बाद शूट हो रहा था, तो उन लोगों ने कहा था कि फला दिन आ जाना रिहर्सल में। मैं पहुंच गया रिहर्सल पर। तो जब उस दिन मैं रिहर्सल में पहुंचा, दोपहर का वक्त था, हिमाचल भवन, काफी गर्मी थी। मुझे याद है कि अंदर आ रहा था तो उन्होंने कहा कि इधर रुक गया। मैं तब तक हिमाचल भवन में गया ही नहीं था, मतलब उस शूटिंग सेट पर मैं पहुंचा ही नहीं था। तो पहली बार वो रिहर्सल के लिए मौका था, वेरी एक्साइटेड। तो मैं स्क्रिप्ट लेके वेट कर रहा था। फिर मैंने कहा, दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि नहीं अभी, उन्होंने बोला अभी नहीं आई आप। तो मैंने कहा, यार वो तो बुलाया, आज रिहर्सल है। तो उन्होंने कहा, जरा वेट करिए। तो जो डायरेक्टर साहब है वो बाहर आए और आते ही कहा, अरे आशीष, कैसे हो आशीष? जैसे ही उन्होंने वो कहा, मैं आपको क्या बताऊं, तो कुछ एक चीजें होती हैं वो ओवर द इयर्स, मैं आपको जब किससे बताता रहूंगा, मैं आप और भी सुनेंगे। कई बार वो जो बहुत वार्मली जब कोई ग्रीट करता है, आपको लगता है ना कि एक्चुअली क्या बात है जो वो बताना चाहते हैं, जिसके पहले यू नो दे आर सेटिंग अप अ यू नो हाउ आर यू, ऐसा किया। तो मैंने कहा, सर मैं बहुत अच्छा हूँ, रेडी। अरे आशीष, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग यार। अब मेरा दिल जो है ना कर रहा है। मैं कहा, सर बोलिए। अरे आशीष यार, देख सुन यार, यू आर अ ग्रेट एक्टर, यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर यार, तू बहुत बढ़िया एक्टर है। और मैं तेरा वो परफॉर्मेंस देखा, क्या करता है वो हमारे, यू आर अ सुपर एक्टर। अब मेरे दिल ना धपकप धपकप धपकप, समझ पा रहे हैं मेरी बात, एकदम मतलब मेरी हालत खराब, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ होने वाला है। ठीक है, वो एक भूमिका बन रही है, कुछ आई बीन पुट ऑन अ पेडेस्टल बिफोर समथिंग हैपेंस। एंड ही सेड, आशी यार ये वाला तुम मत करना इसको। मैंने कहा, व्हाट सर? मैंने कहा, व्हाट आर यू सेइंग सर? सर मैं पूरा प्रिपेयर किया सर, मैं आपसे, आई एम रेडी, मैं पूरी लाइंस लर्न्ड है, मैं आप कर लेता हूँ। नहीं नहीं आशी, समझा कर, तो ऐसा है कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके बेटे को मैंने ये रोल दिया था, बट वो ना वो ऐसे ही छुट्टी पे चला गया था, अब वो वापस आ गया, अब वो कह रहा अंकल मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, अंकल, मैंने कहा सर, सर प्लीज, मैं तो ये रोल प्रिपेयर किया है सर, आप प्लीज। अच्छा सर, ऐसा करिए आप ना, हम दोनों से करा लीजिए, हम दोनों करते हैं, आप देख लीजिए। अरे आशीष, क्या बात कर रहा है, यू आर अ बेटर एक्टर यार, तू तो और अच्छा। समझा कर, समझा करना यार, तू तेरे को और बड़ा रोल दूंगा, ऐसा कर, समझा कर। अरे आशीष को चाय वाय पिला, ऐसा ऐसा करते 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 उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं जानता हूँ कि मेरा गला भर गया था, आंखें, उस समय रोया नहीं था, मेरी आंखें छल छल कर रही थी। मैं उनको कह रहा था, सर सर एक बार आप पढ़ दीजिए, सर सर अलाउ मी टू रीड इट आउट वंस टू यू, एक बार। और मैं समझ में नहीं आ रहा, और मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, यू नो व्हाट, मेरे दिमाग में उस बात आ रही है कि यार मैं तो सबको बता दिया, मेरे कॉलोनी में सबको बता दिया, दोस्तों को बता दिया कि मैं हम लोग में आने वाला हूं, और उनको तो चलो मैं कुछ बोल दूंगा, बट सत्यजीत रे साहब, मृणाल सेन, तपन सिन्हा साहब, वो लोग जब उस दिन टीवी खोलेंगे और बैठेंगे मेरे परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और मैं नहीं आऊंगा, तो वो मुझे झूठा समझेंगे। वुड यू बिलीव इट? ये सब चिंता हो रही थी मुझे। मैं मान चुका था कि ये चिट्ठी उनको पहुंच गई होगी, वो लोग चिट्ठी देखेंगे, अच्छा अच्छा इस एक्टर ने लिखा है, आशीष विद्यार्थी इसका नाम है, हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, वो लोग शाम को टीवी ऑन करेंगे, टीवी ऑन तब ऐसे नहीं होता था, ऐसे ऑन होता था, टीवी ऑन करेंगे, बैठेंगे और मुझे नहीं पाएंगे और मुझे झूठा पाएंगे। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि वो दोपहर मेरी जिंदगी की बहुत लंबी दोपहर थी। मैं खड़ा रहा थोड़ी देर, पर पता चला कि कुछ होगा नहीं, तो मैंने रोना शुरू किया। जब आप एक
जब मैं इस समय कॉलेज में था, मैं क्या रोता ऐसे करके, मैंने कहा चलता रहूँ और रोता रहूँ, और मैं चलते चलते रोता रहा और मैं सीधे पहुँचा सुषमा सेठ जी के घर पर, जो मेरी पहली एक्टिंग की टीचर थी, जो सेंटर पॉइंट मोटेल जो कस्तूरबा गांधी मार्ग में वहाँ पर रहती थी उस बिल्डिंग में, और सुषमा जी भी हम लोग में थी। और मैं चले चले जा रहा था और फिरोशा रोड से जा रहा था, फिर कस्तूरबा गांधी मार्ग में उड़ रहा था, पर पेड़ थे और मैं रोए जा रहा था, जार जार फुबक फुबक के रो रहा था। लेकिन जैसे कोई सामने से आता था, मैं ऐसे दिखाता था कि जैसे आँख में ना कोई धूल गिर गया, अरे ऐसे ऐसे करता था। फिर चले जा रहा हूँ, फिर रो रहा हूँ, फिर रो रहा हूँ, फिर करे जा रहा हूँ, और कोई मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं शर्मिंदा था। मैं लाइफ को अनफेयर फील करना शुरू किया कि यार मैंने काम किया, यार मुझे काम तो दो ना यार, क्यों ऐसे छीन ले रहे हो, एक बार मौका तो दो। करते करते मैं सुषमा जी के पास पहुंचा, मैम के पास बैठा, मैम को खबर थी। मैम ने आते ही कहा ठंडा पियोगे, और उनके घर में खस की शरबत, खस का शरबत मिला करता था, तो खस का शरबत दिया। मैंने से पिया, थोड़ा चुप रहा और फिर भूख के रो पड़ा। मैंने कहा मैम वाई डिड यू नॉट लेट मी परफॉर्म वंस, एक बार तो मुझे परफॉर्म करने देते, मैं कर देता। मैम सुषमा जी मेरी टीचर, जिंदगी की समझ, उन्होंने मुझे गजब की चीज़ बताई। मैं जानता हूँ आज की, वो जानती थी कि अगर वो उस समय अगर वो भी कोमल पड़ जाती, मुझे ही बताती हाँ देखो दुनिया बुरी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं होता। उस समय शायद मुझे अच्छा लगता लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने मुझे दो टूक बात कही, और वो जो दो टूक बात कही वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने बहुत साफ बात कही कि सुनो आशीष, वो उनके दोस्त का बेटा है इसलिए उनको दिया है, तुम्हें पता है अगर मेरे पास कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूं। दुनिया में ऐसा होता है, हम जिसको जानते हैं उसके प्रति हम लोग वी आर पार्शल टुवर्ड्स देम, फेस इट। उस दोपहर मेरी आंखों में आग डालकर उन्होंने जिंदगी की वो सच्चाई मुझे दी, और मुझे उस वक्त से एक बात साफ हो गई कि मैं ना जिंदगी से कंप्लेन नहीं करूंगा। ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों भाई, सीधी सी बात है कि जिंदगी ने नहीं कहा कि वो फेयर है, जिंदगी वैसी है जैसी है। अगर वो चीज हमें सूट करती है तो हम कहते हैं कि अच्छी बात है यार, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही ऐसी चीज होती है जिसको हम कहते हैं नहीं यार, वो तो उसको जानता है, उसकी वजह से हम में से उस तब से मैं बिल्कुल साफ हूं कि जिंदगी में जो कुछ भी मिलेगा मैं काम जरूर करूंगा, लेकिन उसके लिए भी जगह रखूंगा कि शायद किसी और को काम मिल जाए जो शायद इतना अच्छा ना हो जितना मैं हूं। क्योंकि क्या पता मुझे कोई काम मिल रहा है लेकिन कोई और सोच रहा है कि मुझे उसको मुझसे अच्छा काम आता है। वो दोपहर मैं बहुत रोया था, लेकिन सुषमा मैम ने मुझे जब बोला कि जिंदगी में ऐसे होता है, उसने मुझे जो शिक्षा दी मैं आज तक उसे अपना कर रखता हूँ। इसलिए जब भी लोग कहते हैं नेपोटिज्म ऐसा है वैसा है, देखो इधर ऐसा है, मैं कहता हूँ, मैं उनको लोगों को एक ही कहता हूँ, मौका मिलने पर सब लोग अपनों को सबसे पहले रखते हैं। जानना जरूरी है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, आप आघात मत पाइए, आप अपने को बुरा और छोटा मत महसूस कीजिए। एक बात याद रखिए दोस्त, जो मैंने अपनी जिंदगी में गांठ बांधी हुई है, व्हाट आई लिव विथ, व्हाट आई लिव बाय इज दैट आई विल नेवर गिव अप होप। हम में से हर एक ने एक नई जगह पर अपनी जगह बनाई है। जैसे फिल्मों में मैं जब आया, नो वन न्यू मी, आई हैव वर्क्ड हार्ड एंड रीच्ड वेयर आई हैव रीच्ड। मैं इन सब चीजों के बावजूद आगे बढ़ा हूं। आप जो भी आप कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन स्पाइट, ऐसा मत सोचिए कि पूरी वर्ल्ड हमें सपोर्ट करेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन से कुछ फायदा नहीं। उस दोपहर, आई थिंक 1983-1984, उस दोपहर ने मेरे दिमाग की सब कुछ खोल दिया था, और तब से लेकर आज तक मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूँ, प्यार से लोगों के साथ मिलता हूँ, बढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ों पर ठोकर भी खाता हूँ, गिरता हूँ, लेकिन फिर उठता हूँ। ऐसी कुछ छोटी छोटी कहानियाँ लेकर मैं आपके साथ आऊँगा।
आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ऐसी कहानियां आप सुनना चाहेंगे, प्लीज बताइएगा। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक दिस वीडियो लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू माय दिस न्यू चैनल विच इज कॉल्ड आशीष विद्यार्थी एक्टर व्लॉग्स, और बेल आइकॉन पे दबाइएगा ताकि आपको हमेशा पता चले व्हेनेवर माय न्यू वीडियो कम्स। इट इज ऑल टू डू विद स्टोरीज ऑफ लाइफ, स्टोरीज ऑफ एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ऑलराइट, आपको ढेर सारा प्यार। जस्ट इन केस यू वांट टू नो ये क्यों पहना है, इससे दरअसल ये ट्रैवल ब्लॉग है ना, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस है, मैं इसको अपने गले में लग के ट्रैवल करता हूँ। अभी ऐसे ही मैंने रखा हुआ था, मैं साफ कर रहा था कुछ, और मैंने कहा ये वीडियो बना दूँ, इसलिए ये यहीं पे रहा। क्या पता ये हमेशा हर वीडियो में ऐसा रहे, बताइएगा आप कमेंट्स में, ऐसा अच्छा होगा कि हर वीडियो में ऐसा रहे या बीच बीच में उधार भी दूँ। एनीवे, ढेर सारा प्यार आप सबको, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप द स्पिरिट माई फ्रेंड एंड डू अमेजिंग थिंग्स विद योर लाइफ। आई वुड लव टू कीप ट्रैवलिंग विद यू व्हेरेवर आई ट्रैवल, बिकॉज आई लव टू ट्रैवल विद फ्रेंड्स एंड यू आर माई फ्रेंड। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी, थैंक यू, चीयर्स एंड लव। सुषमा जी को दोबारा नमस्कार, अभी इस वीडियो के बाद ही सुषमा जी को फोन करता हूँ, उन्हें नमस्कार कहूँगा, ठीक है, चीयर्स एंड लव, ढेर सारा प्यार, बाय।